मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर। सुरेंद्र सिंह राठौर, क्या समस्या हुई, आज कहाँ पर आए हो? हम हमारी बमदरी जमीन में दबंग लोग जब कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। कहाँ का मामला है? बिजौली का मामला है। क्या है पूरी घटना, कैसे कब्जा हो रहा, कितनी जमीन है? हमारी जमीन है 6 डिसमिल, 6 डिसमिल हमारे 6 लोगों के नाम है, वो पूरी तरह से हमारे कब्जे में है और पूरी हमें लोगों के नाम है। इन दबंगों को 1% भी उसमें कुछ नहीं है और हम अपनी 6 डिसमिल की बाउंड्री कर रहे थे, तो दबंग लोग आए ज़बरदस्ती और आकर के उन्होंने नाप डाल के अपने हाथ से और खोदने लग गए। हमने उनको मना दिया तो ये लोग मान गए। फिर बाद में हम लोग थाना दबस में आए तो थाना दबस में थाना इंचार्ज और लेखपाल जी को बुलवाया उन्होंने। लेखपाल जी और थाना चौकी वाले बिजौली गए तो बिजौली मैंने साइड में देखा, सबको बुलवाया तो साइड में सिर्फ वो लोग आए तो उन्होंने उन लोगों से दस्तावेज मांगे, दिखा भाई तुम अपने दस्तावेज, तो उन लोगों ने कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। फिर इन लोगों ने बोला ठीक है आज के बाद हम नहीं आएंगे। फिर लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट बनाई कि इनका कुछ नहीं है और ना कोई सामने आया और ना इनका कोई इस ज़मीन से भाजता है। फिर इन दोनों ने ये कहा, लेखपाल जी ने और चौकी सब इंस्पेक्टर साहब देवेंद्र कुमार ने दिया ठीक है कल से आप लोग बनाइए। तो कल से हम लोगों ने उसका निर्माण शुरू कर दिया। मतलब कहती थी और नींव वगैरह खोदी, नींव वगैरह खोदने के बाद शाम के टाइम फिर लटलाटे डंडों से लेस होकर के आ गए और मारने दौड़े। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, 100 नंबर वाले ने 3-4 बार लगाया, उसके बाद जब बीजी बताते रहे। इसके बाद साहब ने कहा कही ऐसे साहब ने यह कहा अभी ऐसे साहब ने यह कहा कि ठीक है अगले शनिवार को हमने आपके दस्तावेज देख लिए और चौकी से पूछ लिया, बोले ठीक है आप लोग जाइए शनिवार से उसको दोनों पार्टी को बुलाएंगे और पूछेंगे हम क्या आपकी क्या चाहते हो। हम लोग चाहते हैं अपनी बमदरी जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं। अजय जी आप मदद करने आए, कौन सी उससे हो आप? मैं भीमामी से जिला अध्यक्ष हूँ झांसी से और ये हमारे देवेंद्र हैं, देवेंद्र गौतम जिला महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम से। इनके पास ये केस आया और जब इन्होंने ये बात संगठन में रखी, पार्टी में रखी, तो हम लोग राजपूत जी से मिले और पूरा जो है पेपर वर्क चेक किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ राजपूत जी के नाम पर ज़मीन है और निराधार जो है जो विपक्ष पार्टी है वो उस पर कब्जा कर रही है और पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी भूमिका निभाई है मदद करने की, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो अपनी दबंगई जो है दिखा रही है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी के समक्ष हमने आज एसओ साहब से अपनी बात रखी हुई है संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, और एसओ साहब ने हम लोगों को विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है कि इस शनिवार को जो समाधान दिवस होने वाला है उस पर दोनों पार्टी को बुलाकर जो है इस मामले को निपटाया जाएगा और अगर विपक्ष पार्टी नहीं मानती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ भरोसा है जो मामला हो जाए सॉल्यूशन। हाँ जो एस साहब ने जो आश्वासन दिया है उनके ऊपर पूरा विश्वास है और हमें यही लगता है कि उनके आश्वासन से कड़ी खोटी उतरेगी और यदि वो पक्ष नहीं मानता है ना तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई साफ करेंगे।